नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारा विषय है इन्वर्टेड पिरामिड। दोस्तों, ये एक न्यूज़ राइटिंग का एक स्टाइल है, एक तरह का प्रकार है कि किस प्रकार से हम न्यूज़ राइटिंग करते हैं, समाचार लेखन करते हैं। समाचार लेखन के कई तरीके हैं, कई स्टाइल उसके हैं, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल अपने आप में एक अनूठा स्टाइल है। और ख़ासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाचार पत्रों ने इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल को अपनाया समाचार लिखने के लिए, और आज भी ये लगातार चलन में है। हालांकि इस बीच समाचार लेखन के कई ट्रेंड, न्यू ट्रेंड भी हमारे सामने आए हैं, लेकिन आज भी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में खबरें लिखी जाती हैं और आज भी यह शैली उतनी लोकप्रिय है। दोस्तों, जो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल रहता है न्यूज़ राइटिंग का, उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले खबर का जो सबसे पहला हिस्सा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं रहती हैं उस खबर की, उनको शामिल किया जाता है। उसके बाद उससे जो कम इम्पोर्टेंट होती हैं उन सूचनाओं को खबर में रखा जाता है, और इसके तीसरा जो हिस्सा होता है उसमें इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी बचती है जो उस खबर में देना ज़रूरी है तो उस सूचना को इसमें शामिल किया जाता है। यानी जो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद कोई उसके महत्व की सूचना, और आखिर में अगर कोई और सूचना ऐसी बचती है जिसका समाचार में दिया जाना ज़रूरी है, ऐसा कोई न्यूज़ एलिमेंट है, तो उसको उसमें शामिल किया जाता है। इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी काल क्रमानुसार इसमें होता क्या है, एक घटना को जैसे वो घटी है उसको उसी हिसाब से क्रमवाइज उसको बताया जाता है कि पहले ये चीज़ हुई, बाद में ये हुई, उसके बाद ये हुई, क्रमानुसार पूरी घटना का ब्यौरा दिया जाता है, वर्णन किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो एक तरह से इस तरीके से लिखा जाए कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है उस खबर का, उसको सबसे ऊपरी हिस्से में यानी इंट्रो, जिसको पहला पैराग्राफ कहते हैं खबर का, इंट्रो या लीड जिसको हम कहते हैं, उसमें उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद बॉडी में उस खबर की डिटेल दी जाती है कि वो चीज़ें हुई कैसे हैं, या यूँ कहें कि इंट्रो जो रहता है, लीड जो एक खबर का होता है, पहला पैराग्राफ जो होता है, उसमें घटना क्या हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इस तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ उसकी जो बॉडी होती है खबर की, उसमें कैसे और क्यों, इस पे वाई और जो हाउ, ये जो दो W हैं, जैसे हम 5W1H की बात करते हैं कि उनके आंसर एक खबर में दिए जाते हैं, तो जहाँ इंट्रो में हु वेयर वेन पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो बॉडी में और बॉडी के बाद का जो हिस्सा है उसमें वाई और हाउ के जो आंसर हैं, जो W हैं दोनों, इनके आंसर दिए जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है राइटिंग का, इन्वर्टेड पिरामिड, ये इतना लोकप्रिय क्यों है और ये इतने लंबे समय से लगातार चल रहा है और आज भी इसको इसकी पालना की जाती है, उसकी रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि जब आप इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में कोई न्यूज़ राइटिंग करते हैं तो उसमें सबसे अहम जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो पहले पैराग्राफ में रखते हैं या दूसरे पैराग्राफ तक रखते हैं। तो अगर एक पाठक के पास समाचार पत्र पढ़ने का समय नहीं है या उसके पास कम समय है, तो वो कम समय में भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उस खबर की ले सकता है। अगर वो सिर्फ हेडलाइन पढ़े, सब हेड पढ़े और इंट्रो भी अगर वो पढ़ ले, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या खासकर उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है उस खबर में है, वो उसको हासिल हो जाती है। दूसरी तरफ तो जहाँ पाठक की नज़र से इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जो है सूटेबल है, इसी प्रकार से संपादन की नज़र से भी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जो है काफ़ी मुफीद लगता है, काफ़ी सूटेबल लगता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है एडिटिंग में। जैसे एक सब एडिटर अगर खबर का संपादन कर रहा है, और आप जानते हैं समाचार पत्रों में स्पेस का बहुत एक तरह से वैल्यू होती है स्पेस की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शामिल करने की कोशिश रहती है, साथ ही विज्ञापन भी कहीं ना कहीं विज्ञापन भी शामिल हो जाता है खबरों का, जो स्पेस है वो ले लेता है। तो अगर संपादन करते वक्त लास्ट मिनट में ये रहे कि विज्ञापन कोई आ गया है और उस खबर को अगर एडिट करके उसको काट छांट करनी और छोटी खबर आपने देनी है, तो एक उप संपादक के पास ये सुविधा रहती है कि वो खबर का जो लास्ट का हिस्सा है उसको पूरा काट देता है। इससे फ़ायदा ये रहता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में कि अगर आपने इस स्टाइल को फॉलो किया है तो जो खबर की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जिनका समाज में जाना जरूरी है, जिनका पाठकों तक पहुंचना जरूरी है, वो सूचनाएं उस खबर में रहती हैं। इसी वजह से इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जो है वो खासा लोकप्रिय, इसको पसंद किया जाता है। दूसरा, संपादक के लिए भी आसानी रहती है कि वो संपादन में सिर्फ सिलेक्ट करके अपने मैटर को, टेक्स्ट मैटर जो खबर का होता है, उसको डिलीट कर देता है और उसको पूरी खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में लिखी गई है। तो संपादन करना आसान हो जाता है, खासकर जब अचानक समाचार के लिए स्पेस कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि आजकल समाचार पत्र में समाचार लेखन का किस तरह का ट्रेंड है।
आजकल समाचारों को बजाय कि एक रनिंग मैटर में लगातार देने के छोटे छोटे बॉक्सेस में दिया जाता है, स्मॉल बॉक्सेस में। एक इम्पॉर्टेंट जो सूचना उसमें है उसका एक हेडिंग बनाया जाता है छोटा, और उसके नीचे चार या पांच लाइन में उसको विस्तार से बताया जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी जो सूचनाएं हैं उनको रिटन में लिखने की बजाय, पैराग्राफ में लिखने की बजाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उनकी दी जाती है, ताकि वो न केवल वो आकर्षित लगती है लोगों को, बल्कि वो सूचनाएं पाठक के लिए हासिल करना भी बड़ा आसान रहता है। इसकी वजह है जो लेआउट डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर आए हैं उनमें काफ़ी ईजी रहता है ग्राफिक्स तैयार करना, कार्टून्स तैयार करना, और उस सूचना को एक पिक्चर के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से प्रेजेंट करना, ताकि न केवल वो आकर्षक लगे और उसकी रीडेबिलिटी भी उससे बढ़ती है और पाठक उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। साथ ही आज समाचार लेखन में वर्ड्स की जो लिमिट है, समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो रिपोर्टर्स को हिदायत देते हैं कि आपने दो कॉलम की, चार कॉलम की जो खबर है इतने वर्ड्स में आपने लिखनी है, तो वर्ड्स की लिमिट भी कहीं ना कहीं फिक्स कर दी गई है। इसलिए रिपोर्टर्स और उप संपादक जो होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि थोड़े शब्दों में अलग अलग बॉक्सेस छोटे छोटे बना करके उस समाचार को लिखा जाए। और ऐसा भी होता है कि समाचार पत्रों में जो रनिंग में भी अगर आपने कोई खबर दी है तो आज आप देखते हैं कि उसको येलो करके या रेड करके किसी भी कलर से, अगर उसमें कोई रनिंग मैटर में भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने दिया तो उसको भी हाईलाइट करने का एक ट्रेंड है जो कि पहले नहीं था। तो चाहे समाचार लेखन में नए ट्रेंड आज हमारे सामने हैं, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जो है वो आज भी बरकरार है और आज भी समाचार पत्रों में उसको फॉलो किया जाता है, घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन किया जाता है। लेकिन कुछ नए ट्रेंड भी हमारे सामने आए हैं, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि इसकी जो ख़ास बातें हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो इसको ख़ास बनाते हैं, और एक खबर जो है वो इस स्टाइल के साथ ख़ास बन जाती है। वो संपादक, वो पाठक, हर के लिहाज से, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टाइल जो है कहीं ना कहीं सही लगता है, इसीलिए ये आज भी चलन में है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।